करने का बीड़ा उठाए। माई दिल्ली कीप इट क्लीन नाम से शुरू हुए इस फेसबुक ग्रुप के करीब 18,000 सदस्य हैं। रविवार को इस ग्रुप के सदस्य यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, खुद भी सफाई की और दिल्ली वालों को भी सफाई का महत्व समझाया। दिल्ली के इन पवित्र स्थानों को पवित्र और साफ बनाए रखने का बीड़ा उठाया है माई डेली कीप इट क्लीन ग्रुप ने। रविवार को इनका पड़ाव था यमुना बाजार का हनुमान मंदिर। स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने इस ग्रुप के एडमिन हैं राजीव कुमार जैन, जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर काम करते हैं। फेसबुक के जरिए इस ग्रुप से करीब 18,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। हालांकि सफाई अभियान में सक्रिय रूप से 25,000 से 30,000 लोग हिस्सा लेते हैं। हम पहले 6 महीने से काम में जुड़ चुके हैं। हमारा मकसद है कि दिल्ली में सफाई व्यवस्था सुधारी जाए और लोगों को इसके लिए जागृत किया जाए कि वो अपने आस पास सफाई रखें। इस सिलसिले में हमने सबसे पहले कालकाजी मंदिर और हनुमान मंदिर सफाई अभियान के लिए जगह निर्धारित करने के बाद एक मैसेज फेसबुक पर बने ग्रुप में छोड़ा जाता है। इसके बाद इच्छुक लोग उस स्थान पर पहुंचकर सफाई में जुट जाते हैं। मैं और मेरी मिसेज दोनों ही इनके सफाई अभियान से जुड़े हैं। तो भी ये फेसबुक पर फैला है और इनका एक ही मकसद है कि लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। और यहाँ पर हनुमान मंदिर में और कालकाजी में इन्होंने कई प्रोग्राम किए। लोग आते हैं यहाँ पर, पानी से सफाई करते हैं, पहले सुबह झाड़ू चलाते हैं, फिर पानी से सफाई करते हैं, उसके बाद वाइपर से उसको सूखा करके उसके बाद पोछे वाला उसमें सूखा पका चलाते हैं। लोगों को समझाते भी हैं, लोगों को समझाते भी हैं कि डस्टबिन में पूरा फेंके, पूरा बिजनेस करते हैं। पीछे हम लोगों ने कैरी बैग भी लिए थे इस चीज के लिए। माई डेली कीप इट क्लीन ग्रुप डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए सफाई के साथ साथ दवा का छिड़काव भी करता है। इसके साथ ही दुकानदारों को डस्टबिन रखने की समझाइश भी दी जाती है। वाकई सोशल मीडिया के जरिए स्वच्छ भारत अभियान की ये कोशिश काबिले तारीफ है। फरीद अली, दिल्ली आज तक।